नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कॉल स्कैम यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो किसी वीडियो को देखकर उस वीडियो में फंस जाते हैं। अब यहां पर कारण क्या है कि आपको वो किसी न किसी प्रकार की जागरूकता ना होना। जहां पर आपको जागरूकता है या फिर उसके बारे में मालूम है तो आप किसी भी स्कैम के शिकार हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन जहां पर आपको जानकारी नहीं है और आप ये समझते हैं कि हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, हो सकता है कि मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर ले, तो लड़के की इंटेंशन कुछ और रहती है इसके पीछे। तो इसी के चलते हुए जो है वो लड़का इसी वीडियो कॉल में फंस जाता है और फंसने के बाद वो अपना चेहरा दिखा देता है या फिर कहीं ना कहीं गलती से वो अपना प्राइवेट पार्ट भी दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको जो काम करना है ये करना है कि आपको जागरूक होना है, चीज़ों के बारे में जानना है। जब आप जानेंगे और आपको समझ में रहेगा तो फिर आप किसी भी चीज़ की इसका इस स्कैम के शिकार आप नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि जो वीडियो बन जाने के बाद उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फेस दिखाया है यानी कि चेहरा दिखाया है। ऐसे कई हमारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करके पूछते हैं सर कि मेरा सिर्फ चेहरा आया, प्राइवेट पार्ट मैंने नहीं दिखाया, लड़की ने उसमें किसी दूसरे का प्राइवेट पार्ट जोड़ दिया है। तो ऐसे में क्या अब हमारे लिए कुछ खतरे की बात है, क्या हमारे लिए कुछ डरने की बात है? तो आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये सब जानकारी देने वाला हूं। लेकिन अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, वीडियो कॉल स्कैम यानी कि किसी प्रकार से आपके पास कोई वीडियो कॉल आएगा या डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकता है या मैसेंजर पर आ सकता है या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकता है, किसी प्रकार से आपको वो वीडियो कॉल आएगा। यहाँ पर आने के बाद जो है जब आपसे ये कहा जाए कि आप अपने कपड़े उतारिए या फिर आप अपना प्राइवेट पार्ट दिखाइए या बॉडी दिखाइए, चेहरा दिखाइए, तो यहाँ पर उसकी बात आपको नहीं माननी है। आपको कोई भी अपना बॉडी पार्ट, फेस, चेहरा कुछ नहीं दिखाना है। अगर आप दिखाएंगे तो वो चीज़ कैप्चर हो जाएगी और कैप्चर होने के बाद जो वही चीज़ आपको फिर परेशान करेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किसी प्रकार से कोई भी चेहरा नहीं दिखाना। लेकिन अगर इनकेस अगर आपका चेहरा आ गया है तो आपको क्या करना है, आ गया है तो फिर आपको विशेष रूप से ये करना है कि आपको निश्चिंत रहना है, डरना नहीं है। उस व्यक्ति की आपके पास कॉल आती है या फिर आपको ये कहता है कि तुम्हारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वायरल कर देंगे, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में उसे बताना है कि जो वीडियो आपने बनाया है उसे मुझे भेजो आप। अगर आप वो भेज देता है तो उसमें आप देखिएगा कि चेहरा आप ही का है, आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे कि आपने प्राइवेट पार्ट दिखाया हो और आप बता मना कर रहे हैं कि मैंने प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाया। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि मैंने प्राइवेट पार्ट उसमें दिखाया या फिर नहीं दिखाया। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको चेहरा आया है तो चेहरा देखिए सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है आपका चेहरा, और आपका चेहरा जैसे ही आया है तो वो हो सकता है कि उसमें दूसरा प्राइवेट पार्ट किसी दूसरे का जोड़ दे। अगर उसने जोड़ दिया तो वो वीडियो बन गया कंप्लीट और फिर आपको वो स्कैम करेगा, आपसे पैसा मांगेगा, आपके पास कई प्रकार के कॉल्स भी आएंगे। तो आपको पैसा तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग गलती ये भी करते हैं कि पहले वीडियो बन जाता है और उसके बाद फिर वो पैसा देना शुरू करते हैं। तो पैसा बिल्कुल नहीं देना है स्कैमर के लिए। अगर आप देंगे तो आप और ज़्यादा कहते हैं कुत्ते को हड्डी डालने काम करेंगे, वो आपको और काटेगा और भौंकेगा आपके लिए। तो बेहतर है कि आप उसको कोई भी पैसा रुपया ना दें। अगर आप देंगे तो फिर ये भी एक दिक्कत है, आपको पैसा नहीं देना है। दूसरा, फेस आ गया आपका और फेस आने के बाद साथ साथ में आपने कुछ और भी अपने गलती से आपके अपने प्राइवेट पार्ट दिखा भी दिया है या फिर आपको किस सिर्फ और सिर्फ स्कैम किया जा रहा है आपका प्राइवेट पार्ट उसमें जोड़कर, तो आप समझ जाइएगा इसने मेरा प्राइवेट पार्ट जोड़ा है और इसको हमें एक रुपया भी नहीं देना है। अगर आप देंगे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़े। तीसरा काम ये बहुत जल्दी करते हैं लोग कि जैसे ही उनका वीडियो बनता है वो धमकी देती है कि मैं तुम्हारा वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप जो है अपने पास से सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स सब डिलीट कर देते हैं जल्दबाजी में, जो है हड़बड़ाहट में उसको नंबर को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक की जगह वो रिपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वो रिपोर्ट होता है तो वो सारी जो आपके तक की चैट है आपकी या जो आपसे बातचीत हुई है वो सभी चैट जो है वो उस दौरान खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है। और फिर उसके बाद आप पछताते हैं कि सर हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, हम शिकायत करें तो कैसे करें। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किसी प्रकार से अपनी चैट जो है वो डिलीट नहीं करनी है। अगर आप चैट डिलीट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास कोई एविडेंस ना हो और फिर आप शिकायत करने में भी असहमत रहें। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ में सिर्फ स्कैम हुआ है और आपको आपके पास चैट नहीं है तो आप अपनी ओरल जरूर बात कहें, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कह सकते हैं या फिर आप किसी भी एडवोकेट यानी कि वकील की आप सहायता ले सकते हैं, जिससे कि आपको इस स्कैम के बारे में बताया जा सके और इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकल जाए। अब आपकी बहुत सारे लोगों की ये भी सवाल आता है कि सर हम थाने गए थे और हमारी कंप्लेंट उसने नहीं ली और हमसे कोई भी हमारी मदद नहीं करी, उन्होंने बहला फुसला के बोल दिया कि तुम जाओ घर जाओ, नंबर ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, बात मत करो इनसे, गलत तुमने किया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे आपके साथ में ये होता है कि एक व्यक्ति साथ में नहीं, ये बहुत लोगों साथ में जो होता है। और दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब जाते हैं तो आप अकेले चले जाते हैं,
ना ही तो घर परिवार को व्यक्ति लेके जाते हैं आप, और ना ही किसी एडवोकेट की सलाह लेते हैं आप, क्योंकि जहां पर आप सलाह नहीं लेंगे या फिर वकील को नहीं ले जाएंगे तो आपकी कौन सुनने वाला है, आपको कहीं ना कहीं फटकार लगाई जाएगी और आपको ही घर वापस भेज दिया जाएगा। बहरहाल कहीं ना कहीं हो भी जाता है, ये दर्ज हो भी जाता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे पास कंप्लेंट आती है कि सर हम तो गए थे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपको सुनवाई कराने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो स्कैम हुआ है वो किस सेक्शन के तहत आता है, किस धारा में आता है, किस एक्ट में प्रतिबंधित है। तो ये जो सब कुछ है आपको बताना है। बस इतने करना चाहूँगा, बाकी अगर आप हमसे कोई हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।